नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी। आप देख रहे हैं बीएसएम टेक्नोलॉजी। आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जियो का समर सुपर एज ऑफर खत्म होने का पहले जिया आज ही आप लोग के लिए एक बड़ा ऑफर लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को उसी के बारे में बताने वाला हूं, उसका रिचार्ज पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जियो कुछ दिन पहले जियो भाई के साथ कुछ ऑफर लेकर आया था, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया था, तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। दोस्तों, आज जियो फिर एक ऑफर आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया है। जियो का जो 15 जुलाई को जो उसका समर सप्लाई ऑफर ख़त्म होने वाला था, उसका पहले वो थोड़ा रिचार्ज पॉलिसी कुछ चेंज किया है। तो चलिए उसका रिचार्ज पॉलिसी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका अभी जो रिचार्ज पॉलिसी कुछ चेंज किया है वो है, आपको 309 एक रखा है, तो आपको 309 में आपको 56 डेज का वैलिडिटी मिलता है। उसका आपको हर दिन 1 GB करके मिलेगा, 56 GB माने हर दिन 56 डेज तक मिलेगा आपको हर दिन 1 GB करके। उसके बाद दोस्तों, जो आपका जो रिचार्ज पैकेज है वो है 349 में वही आपको 56 डेज का वैलिडिटी मिलता है, लेकिन आपको 20 GB डाटा मिलता है। माने उसका मीनिंग हर महीना 10 GB करके मिलेगा आपको। पहला 28 दिन में आपको 10 GB मिलेगा, आप उसको एक दिन में यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको 28 डेज तक आप उसको यूज कर सकते हो। तो वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका फिर नेक्स्ट 28 दिन में आपको 10 GB मिलेगा। तो दोस्त, अब ये आपको एक ही साथ नहीं मिलेगा। तो दोस्त, उसके बाद जो आपका पैकेज रहता है 399, ये सबसे अच्छा पैकेज है। देखिए, उसका वैलिडिटी है 84 डेज, आपको 84 GB मिलेगा दोस्तों, हर दिन 1 GB करके मिलेगा। तो दोस्त, आप लोग के लिए तो डाटा कम होगा, तो उसके बाद आप 509 ले सकते हो, उसका वैलिडिटी रहेगा 56 डेज। 56 डेज में आपको हर दिन 2 GB करके डाटा मिलेगा, तो आपको उसका मीनिंग 112 माने 112 GB डाटा मिलेगा। उसके बाद दोस्त, 999 में आपको एक पैकेज रहता है, वो 90 दिन का वैलिडिटी मिलता है, उसमें आपको 90 GB डाटा मिलेगा। लेकिन दोस्त, पोस्टपेड में थोड़ा आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको वही 309 में आपको इधर 2 मंथ का वैलिडिटी मिलता है, लेकिन इधर आपको मिलता है 56 डेज, माने आपको पोस्टपेड में आपको 4 दिन ज़्यादा मिलेगा, माने इधर आपको 60 GB डाटा मिलता है। और उसके बाद दोस्तों, आपको 349 में वही 2 मंथ का वैलिडिटी रहता है, वही उसका देखिए, आपको इधर भी आपको हर महीना में 10 GB करके डाटा मिलता है, लेकिन इसका वैलिडिटी रहता है 2 मंथ माने 60 डेज। इधर दोस्त आपको मिलता है वैलिडिटी, आपको 56 डेज मिलता है। तो उसके बाद दोस्तों, जो है पोस्टपेड में आपको 399 में आपको 3 मंथ का वैलिडिटी मिलता है, उसके साथ आपको 90 GB डाटा मिलता है, माने हर दिन आपको 1 GB करके मिलेगा। इधर दोस्त देखिए, 399 प्रीपेड में आपको मिलता है, आपको 399 में 84 डेज का, माने इधर पोस्टपेड में 6 डेज ज़्यादा मिलता है वैलिडिटी, तो 6 GB डाटा भी ज़्यादा मिलता है। 509 में भी ऐसे है, 2 मंथ का वैलिडिटी मिलता है, उसका मीनिंग दोस्तों इधर 120 GB डाटा मिलता है, लेकिन इधर दोस्त आपको 112 GB डाटा मिलता है आपको 509 में। तो दोस्तों, पोस्टपेड यूजर के लिए थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी इधर मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ से एंड करते हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो आप लोग को कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके साथ साथ, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों, मेरा चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। गुड बाय, नमस्ते, स्माइल प्लीज।